हेलो गाइस, व्हाट्सअप, स्वागत है आपका दोबारा फिर एक बार सिम्बादा गेमर पर। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, हम सिटी स्काईलाइन में हमारी सिटी डेवलप कर रहे थे। यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। तो गाइस, मैंने यहाँ पे अभी जो फिलहाल रोड रखा है वो 4 लेन हाईवे रखा है, जहाँ बीच में ट्रीज रहेगी। ये अपना मेन हाईवे करके मैंने डिक्लेयर किया है, जो आने वाले फ्यूचर में हमारे ये आइलैंड को और यहाँ से ये दोनों आइलैंड को कनेक्टेड होगा, क्योंकि हम फ्यूचर में ये वाली लैंड भी बाय करने वाले हैं। और हम आने वाले फ्यूचर में ही कुछ यहाँ पे डैम का भी प्लान करने वाले हैं। तो गाइज, वही सारी प्लानिंग आप धीरे धीरे हम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने जो हमारा एंट्रेंस है, यहाँ पे अपना रोड थोड़ा छोटा था, नैरो रोड था, दो अलग अलग लेन थे, तो हमें इसे 6 लेन लेन में कन्वर्ट कर दिया है। जिससे क्या होगा कि हमें एक ही रोड मिल रहा है और बाकी का एरिया हमें यूटिलाइज करने मिल रहा है। आप यहाँ पे देखना है हमें ट्रैफिक कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। बाकी आप सिटी देख सकते हो, सेम एटिजिट सिटी या हमारा टेम्पल जो हमें डीएसएल में मिल गया था। और सिटी देखने में वैसे तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, बस अब इसे अच्छी तरह से और डेवलप करना है। जैसे कि हॉस्पिटल हमने ये फ्रंट में जो हॉस्पिटल था यहाँ पे बीच में ले लिया, मेट्रो स्टेशन के बाजू में। और जो गार्डन था, गार्डन को भी हमने थोड़ा बीच वाले साइड में ले लिया, मेट्रो स्टेशन किया। और मेट्रो स्टेशन जो हमने बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हो, हाई ब्रिज वाला बनाया हुआ, लाइक यानी फर्स्ट फ्लोर पर मेट्रो स्टेशन है अपना। तो हमारी जो भी मेट्रो आने वाली है फ्यूचर में, हम सीधा यहाँ से रोड को क्रॉसिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि मेट्रो का एक स्टेशन यहाँ पे, दूसरा स्टेशन मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। तो क्या होगा, एक मेट्रो यहाँ से सीधा ये वाले दोनों आइलैंड को कनेक्टेड होगी, और एक मेट्रो यहाँ से सीधा आके ये वाले आइलैंड को कनेक्टेड होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो दूसरा मेट्रो स्टेशन यहाँ से लेके यहाँ पे जो हम लैंड बाय करेंगे, ये वाली सिटी को कनेक्ट कर देगी, क्योंकि हम सिटी काफ़ी अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। और यही एक सीधा सा हाईवे से ही लेके जाके ये वाला हम फ्यूचर में जब बाई करेंगे तो यहाँ पे भी मेट्रो कनेक्टिविटी दे देंगे। तो मेट्रो के भी प्लानिंग काफ़ी अच्छे से की हुई है अब फिलहाल के लिए। तो अब देखते हैं फ्यूचर में कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फिलहाल हमारी इनकम भी जो जा रही है वो प्लस में ही है, 6279 डॉलर पाउंड जो भी है वो प्लस में चल रहा है हमारा। बैलेंस थोड़ा सा हमारा 31,000 तक आ गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट करने में काफ़ी कंस्ट्रक्शन डिमोलिश कर दिया, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस कम हुआ और न्यू कंस्ट्रक्शन डालने के लिए या शिफ्टिंग करने के लिए हमारा बैलेंस यूज़ हुआ है। तो गाइस, इंडस्ट्रियल एरिया ये है, जैसे कि आपने लास्ट टाइम एपिसोड में देखा था, हमारे न्यू और जैसे कि जोन है वो ओपन हो चुके हैं, हाई रेजिडेंशियल जोन, जहाँ पे मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी टावर्स या बिल्डिंग्स आएंगे। ऑफिस का ये कमर्शियल जोन है, जिसमें 4 माला 5 माला जिसे हम मॉल बोलते हैं वो बनेंगे, और एक दूसरा ऑफिस जोन करके ओपन हुआ है। तो मैं ऑफिस जोन पहला वाला तो यहाँ पे ओपन करने का प्लान कर रहा हूँ, मेट्रो स्टेशन के नज़दीक। जिससे क्या होगा, जो भी ऑफिस जोन के इन आउट वाले रहेंगे वर्कर, मेट्रो से लेके उन्हें कनेक्टिविटी इजीली मिल जाएगी। एंड दूसरा रेसिडेंट, और यहाँ पे इस एरिया में या इस एरिया में मैं एक ऑफिस जोन यूज़ करने का प्लान कर रहा हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं रेसिडेंशियल का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि फ़िलहाल हमारी डिमांड रेसिडेंशियल और कमर्शियल है। तो ये दोनों का हम प्लान कर रहे हैं कैसे क्या वर्कआउट कर सकते हैं आप। और ये वाली जो लेन रहेगी पूरी, ये वाली लेन पर मैं तो कमर्शियल जोन का ही प्लान कर रहा हूँ, वो भी हायर वाला, जिससे क्या होगा, हाई डेंसिटी से बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन जाएंगे यहाँ पे कमर्शियल के, और पूरी सिटी की डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। मेट्रो स्टेशन के आजू बाजू जितना कमर्शियल रहेगा उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। आई थिंक गाइस, ओके, सो यहाँ से एक रोड है मेरे ख्याल से, अगर हम रिलोकेट इसे करते हैं बिल्डिंग को, नहीं ठीक है ठीक है। तो गाइज, आज का एपिसोड चालू करते हैं एंड देखते और क्या चेंजेस हम सिटी में कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज का तो मोटो है, हमें ये लैंड बाय करनी है जहाँ पे हम कोल फैक्ट्री, जैसे कि आप रिसोर्सेज में देखो, यहाँ पे कोल का हम काफ़ी ऑयल, सॉरी ऑयल का यूज़ काफ़ी हो सकता है। तो ऑयल फैक्ट्री यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे भी कुछ ना कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं। सो उसी हिसाब से ये लैंड बाय करने का प्लान है, एंड लैंड बाय करने के लिए
हमें ये लैंड यार ये तकरीबन 5,500 यूरो में। सो ये हम तुरंत बाय कर सकते हैं क्योंकि हमारा बैलेंस काफ़ी अच्छा है। सो गाइस ये लैंड हमने बाय कर ली है एंड नाउ यहाँ से तो पहले तो एक ब्रिज बनाना पड़ेगा हमें और साथ ही साथ मेट्रो कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी जिससे ये वाली सिटी भी हम यूटिलाइज करना चालू कर सकते हैं फिर। लेकिन सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि हम यहाँ पे अगर कोल का कहाँ है कोल फैक्ट्री गार्बेज ऑयल पावर प्लांट, अगर ऑयल पावर प्लांट डालना है तो 50,000 है एंड आराम से बैठ सकता है ऑयल पावर प्लांट यहाँ पे। बस रोड हमें देना पड़ेगा यहाँ पे कुछ, तो सबसे पहले तो हम ब्रिज यहाँ पे खींचना आप चालू कर देते। फिलहाल जो हम ब्रिज बना रहे हैं वो 2 लेन हाईवे है अपना एंड बीच में उसका रोड आ रहा है, तो आई थिंक ये वाला ब्रिज हम कर रही थी यहाँ से लेके। ओहो ब्रिज तो काफी बड़ा बन रहा है अपना, बट ठीक है। नहीं 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 गाइस थोड़ी गड़बड़ हो गई, हमारा बड़ी गलत ब्रिज बन गया हमारा, तो हम इसे डिमोलिश कर दें क्योंकि छोटा हाईवे बन चुका है, हमें बड़ा वाला चाहिए। ले आई थिंक ये मैंने 4 लेन हाईवे वाला लिया था, तो 4 लेन हाईवे ये 2 लेन है। यस ये 4 लेन है, ये वाला ब्रिज मैंने डाला था, रोड बनाया था सॉरी, एंड रोड में जो कनेक्ट कर रहा हूँ। ग्रेट, सो हमारा रोड तो बन चुका है अब, यही हमारी मेन सिटी रहेगी एंड सबसे पहले मेन रोड रहेगा और एक इसे सामने लेता हूँ। छोटा सा बड़ा करते हैं बस, दैट्स इट। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक रोड कनेक्टिविटी देंगे अपने ऑयल फैक्ट्री के लिए। तो सबसे पहले रिसोर्सेज में देखते हैं कि यस काफ़ी बड़ा भंडार है, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे कहीं, क्योंकि पोल्यूशन से पोल्यूशन भी होगा, सो यहीं पे कहीं हम कनेक्टिविटी अपनी ऑयल फैक्ट्री डालें। बस अब पैसे का वेट करना है ऑयल पावर प्लांट डालने के लिए। ऑयल पावर प्लांट से हमारी पावर 120 मेगावाट तक बढ़ जाएगी गाइस। ब्रिज तो हमने बना दिया अब, ओ ब्रिज देखने में तो गाइस देखिए काफ़ी बढ़िया दिख रहा है वैसे देखिए, बट ब्रिज हमारा काफ़ी लो है, अगर कभी बाढ़ आ गई तो हमारा ब्रिज ही ऐसा लग रहा है कि डूब ना जाए। शायद हमें ब्रिज थोड़ा बड़ा वाला कुछ करना चाहिए था, कुछ ऑप्शन है क्या? नहीं। हाँ और एक गाइस मैं इसमें देख रहा था, अगर हम हमारी सिटी में मैं सोचा हूँ यहाँ पे सर्कल बना दे, क्योंकि हम ये साइड वाली भी लैंड फ्यूचर में लेने वाले, ये साइड वाली भी लेने वाले, तो ये सर्कल बनेगा तो किसी ये दिखने में काफी अच्छा दिख जाएगा, फिर यहाँ से ही बना दे। एक मिनट गाइस मैं पहले लैंड देख लेता हूँ, हम बाय कर सकते हैं क्या देखो। यस हम ये लैंड भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे सर्कल बनाएंगे तो दोनों साइड हमारा कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया हो सकता है और ये सिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो अगर हम ये ब्रिज से थोड़ा आगे यहाँ पे यस यहाँ पे डाले तो यहीं से हमारे दूसरे रोड्स कनेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस और थोड़ा हमारा बैलेंस नाउ 3 वे, ये है स्मॉल राउंड, ये है लार्ज राउंड, लेन कितनी है मुझे वो देखनी है। नहीं ये छोटा हो जाएगा आई थिंक सो, ये भी हाँ ये तो लग रहा है परफेक्ट एंड अगर ये इस हिसाब से बनाएंगे
अगर हम सीधा बनाएं या थोड़ा क्रॉस बनाएं, मैं वो देख रहा हूँ गाइस। आई थिंक सो ये सही लगेगा, क्योंकि हम ये वाला एरिया के लिए भी कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं, या ये वाला एरिया। फिर उसके बाद यहाँ पे तो अपनी ऑयल का पावर प्लांट आ जाएगा और सीधा हाईवे जाएगा दूसरी वाली सिटी में, और ये सीधा रास्ता जाके फ्यूचर में ये वाली जगह पर हम कनेक्टिविटी बढ़ सकते हैं। यहाँ से भी हाईवे कनेक्ट करेंगे लेकिन काफ़ी टाइम बाद उस। तो फिलहाल हम यही सर्कल यहाँ पे यूज़ करते हैं एंड इसी डायरेक्शन में रखते हैं। थोड़ा क्रॉस बेटा है शायद हमारा, एंड 2 लेन से 6 लेन हो गया अपना सर्कल गाइस। आई थिंक ये वर्थ नहीं है। शायद कोई अलग ही मैंने बना दिया था रास्ता। ये वैसे लेन कितने वो मुझे पता नहीं चल रहा है, उसकी वजह से मैं अभी इंस्टॉल करूँ या ना करूँ वो सोच रहा हूँ अभी। है दिखने में तो काफ़ी अच्छी दिखेगी सिटी, कनेक्टिविटी भी हमारी बढ़िया हो जाएगी, बट हाईवे हमारा अभी हम 2 लेन हाईवे पकड़ के चल रहे हैं, 6 लेन हो जाएगा फिर। चलो 6 लेन तो 6 लेन, हम फ्यूचर में हमारा मेन हाईवे भी बढ़ा देंगे। यस 6 लेन जैसे मैं बोल रहा था, 6 लेन बन जाएगा अपना हाईवे। इसे भी मैं फ्यूचर में 6 लेन कर देता हूँ, जैसे हमारे पास कुछ अच्छी इनकम आ जाती है। 6 लेन हाईवे के लिए साइड में रो ट्रीज है, यस ये वाला हम फ्यूचर में डाल देंगे हाईवे, अपना मेन हाईवे अपग्रेड कर देंगे फिर, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 लेन कर देंगे। तो फिलहाल हम 50,000 का वेट कर रहे हैं, 50,000 होने के बाद हम देखते थे, लेकिन 50,000 होने के पहले हमें रेजिडेंशियल एरिया की काफ़ी डिमांड है और वर्कर्स कम है हमारे पास, तो रेजिडेंशियल एरिया हम अप्लाई करते हैं। अब ये मेट्रो स्टेशन के सामने तो एरिया मैं वैसे ही छोटा हूँ, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कुछ नहीं फिलहाल करें, बाद में देखते। ये वाला एरिया मैं सोच रहा हूँ रेजिडेंशियल के लिए यूज़ करें, और ये वाला रहेगा अपना कमर्शियल ऑफिसेस यूज़ के लिए, या फिर हम हाई डेंसिटी वाले रेजिडेंसी यहाँ पे कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले इंटरसिटी के रोड बनाने पड़ेंगे। और इंटरसिटी के इन आउट वाला रोड कहाँ पे? गाइस यहाँ पे हमारा काफ़ी बड़ा इलाका होने वाला है रेजिडेंशियल एंड ऑफिस वाला, तो मैं यहाँ पे 4 लेन वाले का प्लान कर रहा हूँ। क्योंकि 2 लेन में ट्रैफिक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फोर लेन में मुझे वन वे ही दिख रहा है, इन आउट वाला नहीं मिल रहा है। आई
आई थिंक ये 4 लेन है, ग्रास वाला यूज़ कर लेते। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ट्रायंगल टाइप में जो बनाए गए अपने यहाँ पे हमारा रेसिडेंश कमर्शियल आ जाएगा। सॉरी, अब हमारा जो पहले से हम बना रहे 10 के रेशो से बनाएंगे रोड्स। फिलहाल ये हमारा बड़ा रोड बनेगा बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब ये 10-10 वाला रेशो हमारा चालू हो जाएगा यहाँ से। 4 लेन हाईवे बना रहे हैं हम, नॉट अ हाईवे, 4 लेन रोड बना रहे हैं। अब जो हमारी रेजिडेंशियल डिमांड बढ़ी है तो यहाँ पे हम रेजिडेंशियल एरिया अपना बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पे हमें कमर्शियल बनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा हमारी इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगी। कमर्शियल बनाने के लिए मैं सोचा हूँ ये डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग ही कुछ रोड्स प्लान करते हैं हम, इनसे यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं देंगे। अगर उन्हें आना है तो इतना घूम के नहीं, कुछ ना कुछ ऑप्शन रखना पड़ेगा ये डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होने के लिए। अगर हम टेंपल के आजू बाजू से कुछ कनेक्टिविटी दें तो ओके, एक यहाँ से एंड एक यहाँ से। क्या होगा इससे दोनों सिटी में इंटर होने के लिए उन्हें एंट्रेंस मिल जाएगा, जो हमारी हाई रेसिडेंशियल वाली सिटी बनेगी उसमें। अब यहाँ पे हम कुछ कनेक्टिविटी नहीं देंगे, बस यहाँ से क्या करेंगे, गाइस अब हम दे रहे हैं पहला हमारा कमर्शियल जोन डिक्लेयर करते हैं, सबसे बड़ा कमर्शियल जो रहेगा यहाँ पे बनेगा हमारा ऑफिस, ऑफिशियल जोन जहाँ पे बड़े बड़े ऑफिस रहेंगे, ये वाले पोर्शन। यहाँ पे हम रेसिडेंशियल देते, जी देखो क्या फटाफट बिल्डिंग बनना चालू हो गई। देखो गाइस ये वाला भी हमारा रहेगा ऑफिशियल एरिया। एंड मैं टेंपल के आजू बाजू में सोच रहा हूँ कि हम क्यों ना कमर्शियल बना दें इसे पूरा, क्योंकि कमर्शियल बनाएंगे तो दोनों साइड में यूजेस हो जाएंगे एंड हमारे कमर्शियल की भी डिमांड कंप्लीट होगी। लेकिन फिलहाल हमारी रेजिडेंशियल की काफ़ी हाई डिमांड है, उससे पहले कंप्लीट करते हैं ये वाले पोर्शन में। रेजिडेंशियल, ये रेजिडेंशियल, ये रेजिडेंशियल,
ये रेजिडेंशियल, ये रेजिडेंशियल, ये भी रेजिडेंशियल। एंड गाइस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे कि हमारा प्लान था रोड के नीचे से ही वाटर कनेक्शन देने का, वही प्लान में आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। यस, सारे पाइप कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है जो वाटर कनेक्शन सबको प्रोवाइड करेगा, और यही फ्यूचर में यहाँ ये लाइन पर ले ले गया हम। फिर वाटर कनेक्शन भी आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपर चालू है। एंड गाइस देखो कितने बड़े टावर्स बनना चालू हो गए। आपको ये देखो, ये ऑलमोस्ट मेरे घर से 12 या 15 माले वाला टावर है, और अच्छे से दिखाता हूँ मैं। ये देखो गाइस, देखो देखो क्या बड़ा टावर बन रहा है, अब क्या फास्ट वर्क होता है गाइस देखो अपनी सिटी में। ओके, ये छोटा बना बट ये काफी बड़ा है। सो काफी अच्छा डेवलप्ड हो रहा है। अब इस एरिया के लिए भी हमें एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी देने। और ये गाइस एक गड़बड़ हो गई, मेट्रो कहाँ से डालें? मैंने जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी, हमें मेट्रो यहाँ पे डालनी थी। अब मेट्रो यहाँ से यहाँ तक लेने के लिए हमें दिक्कत होने वाली है। तो हमारे पास पैसे तो आ गए, सबसे पहले मेट्रो स्टेशन बना देता हूँ, नहीं तो पूरा प्लान मेरा चौपट हो जाएगा। और यहाँ पे भी मेट्रो जो हम बनाने वाले एलिवेटेड यानी जो फर्स्ट फ्लोर पर रहेगी वैसी मेट्रो बना रहे हैं। और मेट्रो के लिए टेंपल के बाजू वाले एरिया में प्लान कर रहा हूँ। ओके, एंड नाउ मेट्रो मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले यहां से मेट्रो में खींचता हूं। ये क्या हो रहा है, मेट्रो आ क्यों नहीं रही है मेरी? स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। यस, अब आ रही है गाइस। हमारा काफी बड़ा एरिया मेट्रो के लिए जाने वाला है शायद। गाइस मुझे यहाँ पे कुछ डिमोलिश करना पड़ेगा मेट्रो बनाने के लिए, कुछ बिल्डिंग तोड़नी पड़ रही है मेरी, बिकॉज मेट्रो हमारी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। गाइस ये हो गया हमारा मेट्रो का पहला लेन कंप्लीट। ये देखो सो मेट्रो की एक लेन हमारी कंप्लीट हो गई। फ्यूचर में यहाँ से हम बनाएंगे दूसरी लेन। मेरे ख्याल से अभी अगर वो प्लान करके रखे हम तो काफी बढ़िया हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा एरिया फ्यूचर में कुछ प्लान होता। अभी ने क्या हुआ,
बंद कर दो, मुझे यहाँ से भी मेट्रो लेके यहाँ तक लानी है जो हमने प्लान किया था। फ्यूचर में मेट्रो हम बनाएंगे दूसरी सिटी के लिए। सो एक रूट कनेक्टिविटी, एक रूट गाइस मुझे यहाँ से भी कनेक्ट करना है जिससे यहाँ की ट्रेन ये वाली लेन से यहाँ पे भी डायरेक्ट जा सकती। तो मैं सोचा हूँ यहाँ से ले, यस। अब इससे क्या होगा कि हमारी ये वाली ट्रेन यहाँ पे भी मुड़ सकती है और यहाँ पे भी मुड़ सकती है, यहाँ से आने वाली ट्रेन यहाँ पे भी जा सकती है, सीधा भी जा सकती है, और यहाँ से आनी यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है, जो अलग अलग सिटी में जाएगी। फिर तो मेट्रो का तो काफ़ी अच्छा प्लान किया हमने। एक बार हम जोन देखते हैं, हमें रेजिडेंशियल काफ़ी बनाना है अब। सो रेजिडेंशियल के लिए मैं एरिया चेक कर रहा हूँ कहाँ पर बना सकते हैं। रेसिडेंशियल की काफी डिमांड है फिलहाल। ये हमारा रहेगा कमर्शियल, हाई डेंसिटी वाला। साथ ही साथ ये पूरी लेन में कमर्शियल की प्लान कर रहा हूं। इन्हें वाटर कनेक्शन चाहिए तो पहले वाटर सप्लाई तो आ रही है। ओके, सो ये एक रूम के लिए मुझे यहाँ तक पाइप खींचना पड़ा। नाउ जोन में ये हम यहाँ पे रहेगा रेसिडेंशियल 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 रेसिडेंशियल, फिर भी रेसिडेंशियल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। सबसे पहले इनका पानी चेक करते हैं। ओके, पानी तो आ रहा है हर जगह। यहाँ पे तो मैं बंगलों का सिस्टम सोच रहा था, लेकिन बंगलों बनाए कैसे, और हम पानी काफ़ी ज़्यादा डिमांड काफ़ी ज़्यादा बना रहे, पानी यूज़ तो काफ़ी कम है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है अपने पास, तो हम यूज़ कर सकते हैं अभी जो भी चाहिए हमें। ये देखो गाइस, अपने टावर्स बनने चालू हो गए। ये कैसे, ये अपना विलेज वाला डिस्ट्रिक्ट रहेगा और ये वाला हमारा टाउन रहेगा, जैसे हम बड़े बड़े टावर्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हम ये कमर्शियल के लिए ऑफिस के लिए यूज़ करने वाले एरिया, प्लस यहाँ पे भी ऑफिस जोन जो हम बनाने का प्लान कर रहे हैं। बट उसके पहले हमें शायद यहाँ पे भी थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया बनाना पड़ेगा। पहले मुझे जस्ट रिसोर्सेज चेक करने। ओके, तो ये फॉरेस्ट जोन है, अगर मैं यहाँ तक एरिया यूज़ करूँ, ये फ्रंट वाला मैं ऑफिस यूज़ कर लेता हूँ एंड देन रेजिडेंशियल यूज़ करता हूँ, और ये फॉरेस्ट वैसे ही छोड़ते चाहे तो। बट गाइस, सबसे पहले तो अब हमें इनको स्कूल फायर ये सारा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मेडिकल हॉस्पिटल तो नज़दीक है, ये हॉस्पिटल कनेक्टिव। ओके, एल्डर स्कूल, एल्डर केयर, चाइल्ड केयर,
है सेमेट्री। सेमेट्री हमें एक बनानी पड़ेगी, तो आई थिंक सो सेमेट्री जो बनाएंगे हम शायद मेन सिटी के तो मेन रोड पर नहीं बनाएंगे, आई थिंक ये कॉर्नर पर बनाते हैं, जिससे यस ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। एंड चाइल्ड केयर है, एक चाइल्ड केयर जो हमने बनाया था बीच में बनाया, तो दूसरा ये वाले कोने में कहीं बनाएंगे। यस, इससे पूरा एरिया कवर हो जाएगा। एंड थोड़ी इनकम आने के बाद एक एल्डर केयर भी हम यहीं पे कहीं अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा ये बाकी का एरिया कवर होगा। तो यहाँ पे रेसिडेंश कमर्शियल आ गया, सॉरी। तो अब हमारी इनकम तो 6,000 प्लस है, बट जल्द से जल्द हमें इसे 10,000 के ऊपर लेके जानी है गाइस। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी कुछ। यस, सो कनेक्टिविटी के लिए ये एरिया हम डिक्लेयर करेंगे रेसिडेंशियल में। सो यहाँ से कनेक्टिविटी आके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाएगी। यस राइट, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे बिल्डिंग बन गई और तुरंत इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कनेक्ट हो गई फिर। एंड ये 4 लेन बनाने का रीजन यही है, यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग से तो ज्यादा लोग रहने के लिए आने वाले, अगर ज्यादा लोग आ रहे तो उन्हें वैसी ही कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। फिर रोड्स भी बड़े होने चाहिए, नहीं तो ट्रैफिक बहुत बहुत ट्रैफिक हो सकता है अपना। अब हमने मेट्रो बना दिया, तो पहली मेट्रो शायद हम चालू कर सकते हैं। एंड मेट्रो स्टार्ट करने के लिए पहली लेन चालू कर देते। ओके, यहां से पहली लेन। सो गाइस, पहली मेट्रो हमने चालू कर दी है, फर्स्ट लेन हमने डिक्लेयर कर दी है। अब जस्ट वेट करना है मेट्रो कब चालू होती है, या उसके लिए भी और कुछ करना पड़ेगा मुझे। मेट्रो खरीदनी तो नहीं पड़ेगी ना जी? नहीं गाइस। पहली मेट्रो तो हमारी गाइस, मैं मेट्रो का वेट कर रहा हूँ, मेट्रो अभी तक दिख नहीं रही है मुझे। लाइन इनकम्प्लीट। शायद हमें और एक स्टेशन आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके हमारी मेट्रो चालू होगी शायद, क्योंकि एक ही स्टेशन के लिए मेट्रो चालू नहीं हो रही है। अगर मैं यही लाइन यहाँ से लेके यहाँ, ओके सो रिटर्न, अब लाइन कंप्लीट हो गई। एंड गाइस, हमारी पहली मेट्रो चालू हो गई। ओह, क्या स्पीड है इसकी, रोक भी नहीं पा रहे। ओ, फुल स्पीड में जा रही है मेट्रो हमारी। पब्लिक है, पब्लिक भी है गाइस। एंड ये मेट्रो हमारी दोबारा चल पड़ी, और इनकम देखो गाइस, फटाक से 10,000 पर पहुंच गया एक ही मेट्रो से। सो मेट्रो का बहुत बेनिफिट होने वाला है हमें। अब मेट्रो तो हमने चालू कर दी, लेकिन मेट्रो तक आने के लिए बस लेना हमें चालू कर दी है, जिससे क्या होगा हमारी इनकम और थोड़ी ग्रोथ होगी। बस लेन के लिए मैं सोच रहा हूँ मेट्रो से बस निकलेगी, पर यू टर्न नहीं है कहीं इसे बीच में। यहां से रोड कनेक्टिविटी कुछ देते हैं पहले, जिससे क्या होगा
ऑफ रोड बनाते। मेट्रो तक जाने के लिए यह ऑफ रोड रहेगा। मुझे चेक करना है अगर मैं ऑफ रोड यहाँ पे देता हूँ तो मेट्रो जाती है क्या, एंड अगर हम मेट्रो बना रहे तो यहाँ पे पार्किंग एरिया भी कुछ देने का मैं प्लान कर रहा हूँ। जी नहीं, ये यूज नहीं हो रहा है। सो बस हमें जो देनी पड़ेगी फिलहाल यहीं से देनी पड़ेगी। मेट्रो का एंट्रेंस दोनों साइड से वैसे दिया हुआ है। ओके गज, एक 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 और एक मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना ये लेन ऐसी दे हम मेट्रो के बाजू से। ऐसा रोड बनाए तो सबसे पहले ये रोड डिमोलिश करते हैं। मेट्रो को कनेक्ट हमारा रोड, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो गाइस आप दोनों साइड से हम मेट्रो यूज कर सकते हैं। यस, आप जैसे देख सकते हो दोनों साइड से मेट्रो यूज हो रही है, और ये पार्किंग के लिए छोड़ देंगे हम। ये क्या है, ये रास्ता कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है गाइस, आई थिंक सो। अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा है।
ओके अब कनेक्ट हो गया गाइस। हाँ बट ये स्पेस तो काफ़ी है, यहाँ से पब्लिक चल के थोड़ी जाएगी मेट्रो के। यहाँ यही देखना है अब मुझे ये रास्ता कैसे कनेक्ट होगा। गाइस मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ यहाँ से पब्लिक मेट्रो में जा कैसे रही है वो देखने के लिए। यहाँ से तो मुझे पता चल गया यहाँ से कनेक्टिविटी, बट यहाँ से कैसे जा रही है वो देखना है मुझे। ये वाला रास्ता यूज़ नहीं हो रहा है तो हमें दोबारा कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, जिससे मेट्रो और ये कनेक्टेड हो जाए। तो मेरे दिमाग में और एक ख्याल आया है, डिमोलिश कर दें एंड नाउ यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे पांडा सेंचुरी, ये बाद में देख लेंगे। ठीक है, विंटर मार्केट ओके, ये भी बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम चेक कर रहे थे ये होगा कनेक्टिविटी के लिए। अब इससे क्या होगा, यहाँ से पब्लिक सीधा चल के मेट्रो अभी भी कनेक्टेड नहीं है गाइस। हमें मेट्रो कनेक्ट कर दी है, क्या गड़बड़ कर दिया हमने, हमने हॉस्पिटल को ही उड़ा दिया। आई थिंक हॉस्पिटल हम यहाँ पे डालते हैं। बहुत बड़ा लॉस हो गया मेरा गाइस, बहुत बड़ा लॉस हो गया। फाइनली जो हम चाहते थे वो बन गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाजू में ही मेट्रो एंड ये रहेगा मेट्रो को कनेक्टेड दूसरा रोड
एंड यहीं पे हम देंगे सिटी बस जो मेट्रो से कनेक्टेड रहेगी। बट गाइस यहाँ से अभी भी कोई इन आउट नहीं हो रहा है। यस 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 हो रहे गाइस हो रहे, यहाँ से इन आउट हो रहे, तो हम यहाँ से अब सिटी बस दे सकते हैं। तो सबसे पहले बस रूट बनाते हैं जो चालू, एंड ये वन लेर यस। सो आई थिंक बस स्टॉप मेट्रो के सामने ही बनाता हूँ, गेट नंबर 1। एंड ये जाएगी सिटी बस, हॉस्पिटल, फिर उसके बाद गाइस मैं सोच रहा हूँ ये बस का रूट थोड़ा बड़ा रखे, टेंपल ऑलमोस्ट हमारी पूरी सिटी को ये कवर करेगा ऐसा। यहाँ से रिटर्न कंप्लीट, ये हमारी सिटी बस रहेगी जो मेट्रो से बीच बीच में काफ़ी कनेक्टिविटी लेते हुए ये पूरा स्क्वायर करके रिटर्न आएगी मेट्रो के पास। एंड इंटरनल बसेस हमारी काफ़ी सारे रहेगी। तो गाइस थोड़ी इनकम हमारी कम हुई है, लेकिन देखते अब रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल जोन हमें दोबारा और बढ़ाना है उस टाइम। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे मेट्रो का रूट बना देता हूँ, नहीं तो आगे जाके हमें दोबारा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ से 2 सिटी में मेट्रो मुझे भेजनी है, सो आई थिंक एक रूट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। एंड दूसरा यही से हम कनेक्टेड करके यहाँ पे लेके जाएंगे। सो मेट्रो का तो प्लान ऑलमोस्ट डन है, यहाँ से भी मैं रूट अभी ले लेता हूँ, नहीं तो गाइस काफी दिक्कत हो सकती है आगे जाके दोबारा मेट्रो बनाने के लिए। ये देखिए मैं बोला ना आपको हमें दिक्कत होगी, अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, ये आ रहा है हमारा अब गार्डन बीच में। अब गार्डन को रिलोकेटेड करना पड़ेगा मुझे। मेट्रो का सो गाइस सबसे पहले अब हम रेजिडेंशियल एरिया बनाना चालू करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एंड मैं ये सोच रहा हूँ रेजिडेंशियल जो बनाएंगे ये वाला पूरा एरिया रेजिडेंशियल के लिए ही रखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा रोड बनाना चालू करते हैं।
हमारा हाईवे। ओहो, मैंने और थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। मैं वही बोल रहा हूँ, हमारे रोड इतने छोटे कैसे हो गए। गाइस, ये वाला एरिया पहले हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल के लिए डिक्लेयर करते हैं, जिससे हमारे हाई टावर बनना चालू हो जाएंगे। यहाँ पे बीच में हम पहले पानी कनेक्शन इनका ऐड कर देते हैं गाइस। इलेक्ट्रिसिटी भी शायद हमारी कनेक्टेड हो गई एक दूसरे से। सो अब हम फोकस करते हैं अपने कोल फैक्ट्री पर, जो हमने प्लान किया था आज के दिन में डेवलप करेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक मेट्रो चालू कर देंगे सीधा। सो सबसे पहले कोल फैक्ट्री के लिए एक बार दोबारा रिसोर्सेज देखते हैं, एंड कोल पावर प्लांट हम यहाँ पे कॉर्नर पर ही लगा देंगे, जिससे क्या होगा हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। एंड मेन रास्ता ये वाली सिटी को कनेक्ट करने के लिए सेम जैसे वहाँ पे हमने प्लान किया था, अब बनाते हैं यहाँ से अपना इंटरनल रोड। सो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ 4 लेन ही रोड बनाए, लेकिन विदाउट ग्रास वाला, कि ग्रास कैसे है गाइस, सिटी में हम रहते हैं तो ग्रास दिखने को वाओ। इसके साथ ही साथ स्मॉल सिटी करके और एक अचीवमेंट कंप्लीट हो गई, हाइड्रो पावर प्लांट हमारा यानी डैम गाइस ओपन हो गया, कार्गो ट्रेन टर्मिनल ओपन हो गया, ट्रेन स्टेशन भी ओपन हो गया। सो फ्यूचर में हम ट्रेन भी बना सकते हैं। अब तो सबसे पहले हम जैसे प्लान किया था हमने, Thank you.
उसमें हमारी कोल फैक्ट्री लगा देते। कोल फैक्ट्री अपनी कितनी बड़ी है गाइस? ओह काफ़ी छोटा ही है तो पावर प्लांट। पोल्यूशन ज़्यादा होगा यहाँ पे। सो मैंने कोल पावर प्लांट तो लगा दिया, अब यहाँ पे बिजली और वाटर लाने के लिए फ्लो ये साइड से जा रहा है, तो मैं पानी यहाँ से खींचने का प्लान कर रहा हूँ गाइस, या फिर यहाँ से भी खींच सकते हैं सीधा हम। ओके एंड पाइप कनेक्शन से ऐड करके बिजली के लिए मैं सोच रहा हूँ गाइस यहाँ पे डैम बना दे तो। नहीं काफी बड़ा एरिया है डैम के लिए गाइस, हमें दिक्कत होने वाली है अब क्योंकि अपने पानी का फ्लो है। जस्ट एक मिनट, मैं पानी का फ्लो आपको दिखाता हूँ। देखिए पानी का फ्लो अपना जा रहा है इसी साइड। सो हमें ड्रेन लाइन यहाँ से यहाँ कनेक्ट करने के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। हमें सारे ड्रेन यहीं पे कहीं एडजस्ट करने पड़ेंगे एक दूसरे से वो कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ड्रेन लाइन छोड़ते तो ये पानी यहीं पे जाके मिलने वाला है। एंड थोड़ा फ्री हो रहा है लेकिन इतने बड़े एरिया में मुझे नहीं लगता फ्री हो जाएगा करके। सबसे पहले हम करते हैं अब यहाँ से पानी पाइप की कनेक्टिविटी देखते होती है क्या, ड्रेन पाइप के लिए स्पेशली। यस कनेक्ट हो रहा है एंड कनेक्टेड, शायद इससे हमारा ड्रेन पाइप यस हो गया सॉल्व। एंड नाउ यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने कहीं देखा था हमारे कोई शॉप को इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही। ओके पहुँच गए। सो यहाँ पे फैक्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगी एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैं सोच रहा हूँ यही वाले एरिया को यूज करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी तो आ गई है। अरे यहाँ ये तो कोल फैक्ट्री है, खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेगी। ऑयल फैक्ट्री है तो यस, अब ये इलेक्ट्रिसिटी हम ये पूरे सिटी में यूज कर सकते हैं। सो गाइस अब हम आगे का प्लान करते हैं। ये है इससे क्या होगा, प्रोडक्शन रेट पर वीक, पावर कंज्यूम, गार्बेज ट्रक कैपेसिटी 27। ओके सो हम इससे क्या होगा कि हमारे जो भी गार्बेज है यहाँ पे आएगा एंड अपने पूरे सिटी का पावर जनरेट करेगा वही गार्बेज से। सो यह हमें काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा फ्यूचर में यहाँ पर। जो हम गार्बेज यहाँ पे जमा कर रहे सब आप वहाँ पे हमारा सब हमारे ये पावर प्लांट में आ जाएगा, ये वाले पावर प्लांट में। सो गाइस पुलिस, सो हमें पुलिस हेडक्वार्टर अब बनाना है। यस हेडक्वार्टर बनाएंगे हम, और जो हेडक्वार्टर मैं सोच रहा हूँ सिटी के बीच में ही अगर बना दे
सो पुलिस हेडक्वार्टर बन गया, हॉस्पिटल आ गया, जैसे कि हम एल्डर्स को प्लान कर रहे थे, एल्डर केयर एक तो यहाँ पे है। सो दूसरा हम प्लान कर रहे हैं ये वाले पोर्शन में, क्यों ना यहाँ पे ले या ये साइड ही रखें। साथ ही साथ चाइल्ड केयर, सेमेट्री तो हमने बना दी, फायर स्टेशन भी गाइस बनाना पड़ेगा एंड फायर हेडक्वार्टर बनाते हैं। अब इससे हमारा काफी एरिया कवर हो गया। यस सो गाइस, आज के एपिसोड में तो हमने मेट्रो स्टेशन भी बना दिया, यहाँ पे क्या काम है आप? What is this? तो इनकम भी हमारी ठीक ठाक चल रही है, मेट्रो स्टेशन तो आगे जाके प्लान करेंगे, फिलहाल हम रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर फोकस करते, थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया बना देते। तो ये हमारा रेसिडेंशियल एरिया ही रहेगा, रेसिडेंशियल कम कमर्शियल, ये वाला तो हम कमर्शियल देने वाले हैं, ये वाला जोन भी कमर्शियल रहेगा, ये वाला जोन भी कमर्शियल रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये ब्लॉक कमर्शियल हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कमर्शियल हो जाएगा और ये बाकी का एरिया हम देंगे रेसिडेंशियल। गाइस सिटी तो हमारी काफ़ी बढ़िया बन रही है, अब थोड़ा सा गार्डन एरिया बना देते हैं, क्योंकि इतना हाई रेजिडेंशियल एरिया है तो इनके लिए गार्डन भी अच्छा खासा होना चाहिए। डॉग पार्क
फिशिंग आइसलैंड, वाओ ये तो बढ़िया है। सो गाइस, फिशिंग आइलैंड भी बना लिया अब तो हमने, हमारे रिवर के बीचों बीच ही है। यहाँ पे पब्लिक कैसे जाती है वो देखना है मुझे। कोई तो आ जाओ यहाँ पे जाने के लिए, अभी तक कोई नहीं आया है गाइस। यस, अभी तक कोई नहीं आया है, शायद पानी का बहाव तेज है इसके लिए यहाँ पे कोई जाता नहीं है। ये डुबकी मार रहा है। अच्छा, अभी तक एक भी गाड़ी आई नहीं है गाइस यहाँ पे जाने के लिए। फिशिंग आइलैंड यूज कैसे होता है वो देखना है मुझे। फिशिंग आइलैंड के लिए क्या बोर्ड बीट लगती है? आ गए आ गए आ गए गाइस, पहली गाड़ी आ गई गाइस। एंड ये आदमी चल के आ रहा है, वाओ गाइस। ये तो लड़की है कोई, और ये तो रेस्ट कर रही है गाइस। यहाँ पे भी बंदे आ गए हैं, यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया है। हमारी रिवर काफ़ी बड़ी है, हमें लगती है छोटी बट बहुत बड़ी रिवर है हमारी। सो गाइस, काफ़ी बढ़िया सिटी बना रही है, अब क्या चाहिए इन्हें? ओके, एजुकेशन अब देखना है शायद इन्हें। शायद हमें गाइस एजुकेशन के लिए पब्लिक लाइब्रेरी, हमने एक वहाँ पे बनाई थी, एक यहाँ पे बना लेते हैं। ये पूरे एरिया को कवर हो जाएगा। ये है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे एक बना ली है, बट एक यूनिवर्सिटी गाइस हम एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाने का प्लान करते हैं, जिससे ये वाला एरिया भी कवर हो जाएगा। यस, हाई स्कूल एक वहाँ पे है, सो गाइस एक यहाँ पे भी आना चाहिए, या फिर यहाँ पे ले लो रिवर व्यू। या फिर हम स्कूल के सामने ही रखे, वो भी अच्छा लगेगा। नहीं, बच्चे डूब गए तो, मर गए तो, डूब गए तो मेरा इनाम खराब होगा, तो उससे अच्छा हाई स्कूल पे यहाँ पे। एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल, नॉट एलिमेंट्री, एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल तो हमने तीन बनाए हुए हैं, एक इस एरिया में भी बना देते। एलिमेंट्री स्कूल काफ़ी कम एरिया कवर कर रहा है वैसे देखा जाए तो। स्कूल का भी काफ़ी अच्छे से डिमांड हमने कंप्लीट कर दी। एंड रेजिडेंशियल जो ये रिमेम्बर अनलॉक द बिल्डिंग, कोई नई बिल्डिंग हो, रेलवे स्टेशन, ये है कार्गो ट्रेन टर्मिनल, उसके पहले गए थे। ट्रेन
ट्रेन लेन हम यहीं से देते हैं, ये वाले पोर्शन से, मेट्रो के नज़दीक से, जिससे हम कनेक्टिविटी इजी हो जाएगी हर जगह के लिए फिर हमारी। तो ये कल के एपिसोड में देख लेंगे रेलवे स्टेशन बनाने के बाद। एंड राइट नाउ हम चेक करते हैं पहले तो ये वाला एरिया हमारा डंपिंग यार्ड एम्प्टी हुआ क्या नहीं। अभी तक हमारा डंपिंग यार्ड एम्प्टी नहीं हुआ है। काफी टाइम लग रहा है डंपिंग यार्ड को एम्प्टी होने के लिए। एक यहाँ पे भी बना लेना चाहिए शायद। यहाँ पे छोटा रास्ता भी बना सकते हैं हम। सबसे पहले तो हम डंपिंग यार्ड एक यहाँ पे भी बना लेते हैं, इससे क्या होगा वहाँ का सारा कचरा यहाँ पे आ सकता है। एंड थोड़ी कमर्शियल डिमांड है हमारी, सो कमर्शियल एरिया थोड़ा बना देते हैं। ये कमर्शियल रह गए, यहाँ पे बना देंगे हम रेसिडेंशियल। सो गाइस आज के लिए तो काफ़ी अच्छी सिटी बनाई है, काफ़ी अच्छे से डेवलप किया है हमने, प्लानिंग काफ़ी अच्छी की है। मेट्रो अब हमें यहाँ से यहाँ भी एक कनेक्ट करनी है, जो यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल एरिया है और बाकी एरिया बनाने वाले हैं उसके लिए। एंड कल जाके हम यहाँ पे ट्रेन स्टेशन का प्लानिंग करेंगे। हमारे ये डंपिंग कब एम्प्टी होगा पता नहीं मुझे। ₹87 फुल है फिलहाल तो। और ये वाला ₹73 फुल है। तो यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी हम सारी यहीं पे यूज़ करने वाले, क्यों ना हम एक प्लांट यहाँ पे भी डालें। इससे क्या होगा कि हमारा यहाँ का कचरा यहीं पे एम्प्टी हो जाएगा। यस, लेकिन इससे पोल्यूशन काफ़ी बढ़ेगा गाइस। सो हम डालें इसे कौन से एरिया में, तीन डंपिंग ग्राउंड है यहाँ पे हमारे,
एक इंडस्ट्रियल एरिया शायद हमें उड़ाना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि जितना पीछे रहेगा उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, पोल्यूशन कम होगा। सो अब क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक ही गार्बेज लाना पड़ेगा, तो जल्द से जल्द एम्प्टी हो जाएगी। गाइस आज का एपिसोड यहीं पे रोकते हैं एंड मिलते हैं फिर कल के एपिसोड में, और सिटी थोड़ी अच्छे से डेवलप करके और लैंड बाय करके ये वाला एरिया हम डेवलप करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को गाइस सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।